मेरे साथ नारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपके लोकल एरिया काउंसलर भरत कुमार जी, हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर मोहम्मद हाजी खुर्शीद साहब, सिंगारा सिंह जी, लीलाधर स्वामी जी, दीदार सिंह जी, टीबी जैन साहब, अशोक जैन साहब, कैलाश जैन जी, रामकरण गुप्ता जी, भाई और बहनों, ये 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा देश किस दिशा में जाता है। ये चुनाव तय करेगा आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों के बच्चों का भविष्य। इस देश का भविष्य तय करना आप सबके हाथ में है। बहुत सोच समझकर आपको वोट करना है। खिलवाड़ नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। हम लोग अपने देश को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। लोग ऐसी बातें भी करते हैं, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, कौन सी भी सरकार आए, होना तो वही है। ये सच नहीं, कई अरसों तक सच था, अब सच नहीं। एक ऐसा प्रधानमंत्री आपके पास है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि आपके इस देश को, सिवाय एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़कर, इससे पहले शायद थोड़े कार्यकाल के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में मिला, और कभी ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला नहीं। इस प्रधानमंत्री में वो सारी खूबियां हैं जो एक सशक्त प्रधानमंत्री में होनी चाहिए, जो कुछ लाल बहादुर जी में थी, कुछ अटल जी में थी, इनमें वो सब कुछ है और उससे बढ़कर और भी कुछ है। कहां से मिलता है ऐसा आदमी? ऐसे आदमी को गंवाना नहीं, ऐसी सरकार को गंवाना नहीं। बहुत अच्छे अच्छे मिनिस्टर हैं, बहुत दिन रात खपके देश के लिए काम करते हैं, चार चार पांच पांच घंटे सोते हैं सिर्फ मोदी जी, उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके कामों के लिए लगा रहता है। मेरी भी नींद वैसे आप लोगों ने कम कर दी है, यहां पर सोने को समय नहीं, किसी को मिलने को समय नहीं है। लोग नाराज भी हो जाते हैं, मेरे पुराने जान पहचान वाले, 5 साल से यहां बैठी हैं, सारा घर बार छोड़कर बैठी है। मेरा त्याग, मेरे घर वालों का त्याग, वो भी इस लड़ाई में शामिल है। बहुत कठिन है, आप सब जब घर जाते हैं, आप काम करके जाते हैं, जो लेडीज हैं उनके घर पर कोई होता है, माता पिता होते हैं, हस्बैंड होता है, बच्चे होते हैं, जो हस्बैंड जो आदमी है उनके घर पत्नी होती है, उनके घर भी बच्चे होते हैं, सब कोई होता है। मैं जब घर जाती हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के 2 लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं और सफाई करते हैं, और एक टीवी होता है, और मेरे पास कुछ नहीं। रात को कोई बात करने वाला भी नहीं, 5 साल से। सत्य भाई साहब, सरदर्द हो रही इनकी, शायद सच बोल रही हूँ। क्या है, मैं वो उन लोगों को जैसी हूं नहीं जो टिपिकल पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो जलेबी जैसे होते हैं, वो सिर्फ मुंह पर चेहरे पे एक मुस्कुराहट रख के हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये करते निकल जाते हैं, 5, 10, 15 साल लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, जैसे पवन कुमार बंसल जी ने शहर में किया। आप में से कोई मुझे 5 ऐसे काम बता दे जो बंसल साहब ने करवाए अपने 15 साल के कार्यकाल में, सिवाय हल्लू माजरा को रेगुलराइज करके दोबारा डीरेगुलराइज करना। ये मुझे बता दीजिए कौन से बड़े काम, किसी को याद है? जब कुछ किया नहीं तो किस बिना पे आ गए फिर से लड़ने? वो 15 साल याद रखिए और पीछे के 5 साल भी याद रखिए। कम से कम 75 काम ऐसे हैं जो मैं गिनवा दूंगा। आपके लिए 24 घंटे पानी लाना, आपके लिए आपकी आयु बढ़वाना, सरकारी नौकरियों में 25 से 37 करवाना, SC ST के लिए 42 करवाना, फ्लाईओवर बन रहा आपका
यहाँ पर ट्रिब्यून चौक पर जहाँ इतना जाम लगता है। मणि माजरा में रेलवे अंडरब्रिज पूरा बन के तैयार है, सिर्फ उसकी सड़क पक्की करनी है। यहाँ पर मैंने गरीबों के लिए खाना 10 रुपए में अन्नपूर्णा अक्षय पात्र योजना, 6 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा गुड़, ये शुरू करवाया। अपना एमपी लैड फंड जो मुझे सांसद होने के नाते 5 करोड़ प्रति वर्ष मिलता है, पूरा का पूरा खत्म किया और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हल्लू माजरा में लगाया। जहाँ पर आप कीचड़ में रहते थे वहां पर सड़क बन रही है, उधर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बन रहा है, सूरज की लाइनें लग रही हैं, पानी की लाइनें लग रही हैं। ये सारे काम क्या लगा, मैं कम्युनिटी सेंटर बनने वाला है आपके लिए। हमने ये कॉलोनी अभी रेगुलराइज नहीं, फिर भी मैंने अफसरों को ओवर रूल करके आपके लिए यहाँ पर एमपी लैड फंड लगाया। ये जो सड़क पे मैं आई हूँ, अगली बारी चुनकर भेजते हैं तो इसको भी बनवा दूंगी। अभी बन रहा है, फ्राइडे को काम स्टार्ट भी हो जाएगा, पक्का है। चलो, ये सब सीख गए कैसे काम करना है। देखिए, अफसरों को बढ़ाने का, उनसे काम करवाने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी शक्ति। तमीज से किसी से भी पेश आओ तो वो सुनने को भी रेडी होता है। पहले से चढ़ जाओगे तो वो नहीं करेगा, आपको अड़चने लगाएगा। पहले प्यार से बोलना, फिर थोड़ा सा डंडा लगाना। इसी तरह से काम करवाए मैंने पूरे शहर के किए। कांग्रेस के गवर्नर ने भी सुनी मेरी, हमारे गवर्नर ने भी सुनी मेरी, हर अफसर ने सुनी मेरी जो आया। इसीलिए हमने इतने काम करा दिए, 11 स्कूल, 9 स्पोर्ट्स स्टेडियम, 3 अस्पताल, 50 एकड़ जमीन दिलवाई उसको, अपनी PGI को, जहां पर 1000 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनने वाला है। कितनी डिस्पेंसरीज, अब तो जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिस्पेंसरीज हैं, सारी की सारी मैं लेकर डालने वाली हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि वो ठीक से चले। कॉरपोरेशन के पास इतने पैसे नहीं, डॉक्टर भी नहीं कि उनको चला सकें, ताकि लोगों को सहूलियत हो हर डिस्पेंसरी के लिए। आने वाले दिनों में मैं चाहती हूँ जितने सरकारी स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम करवा दो, ताकि लोगों के बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज में जाएं, क्योंकि उन बच्चों को मिलता नहीं है, एडमिशन नहीं मिलती प्राइवेट स्कूलों में जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पंजाबी भी हो, हिंदी भी हो और साथ में अंग्रेजी मीडियम हो, संस्कृत भी हो। मैम, जो संस्कृत तो वैसे ही होती है, नहीं होनी चाहिए। अभी तो है ही है भाई साहब, संस्कृत हम जो है उसको हटा नहीं रहे, जो नहीं है वो लगा रहे हैं, क्योंकि अभी संस्कृत में अगर वो पूरा कोर्स करेंगे तो उनको कहीं नौकरी लगेगी नहीं, खाली टीचर ही बन सकेंगे। तो संस्कृत जरूर पढ़ाई जाए, हमारे कल्चर है, लेकिन बाकी चीजों में पढ़ाकर आगे बढ़ाना है। बच्चों को 2019 के बाद खड़ा करना है दुनिया के बराबर, जहां हर इंसान, हर बच्चा दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके, ये भी बहुत जरूरी है। जितनी वार लटक रही है सबको अंडरग्राउंड कराना है। शहर के लिए मोनोरेल लाना है, बिजली पे चलने वाली मिनी बस चलानी है जो थोड़ी अंदर की गलियों में भी जा सके, ताकि लोगों को थोड़ा और घर के पास तक एक मिल जाए तरीका आने का। लीज होल्ड से फ्री होल्ड के पैसे कम कराने, मालिकाना हक दिलवाना है, हल्लू माजरा को रेगुलराइज करवाना है। कुछ बोलती हूँ तो मैं उसको कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप हैरान रहेंगे, जब मैंने पहला जनता दरबार किया था, मेरे साथ चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद बैठे थे, उन्होंने मेरे कान में कहा, मैडम मैं तो कब से बोल रहा हूँ इस कॉलोनी को रेगुलराइज करवा दीजिए। तो अफसर भी चाहते हैं कि ये रेगुलराइज हो। अब इतनी बड़ी फैल गई जगह, क्या करेंगे इसको, क्या इसको नोटिस राज में छोड़ देंगे? हम बार बार नोटिस भेज के लोगों को तंग करते हैं, अभी इतना कुछ तो कोई तोड़ नहीं सकता, इतना जो बन गया है क्या करेंगे, लोगों को उजाड़ेंगे? नहीं, रेगुलराइज करवाना ही पड़ेगा। एक बार करवा दो रेगुलराइज, उसके बाद और ना बढ़ने दिया जाए। जहां भी आपको रोक लगानी है, जो बन गया उसको रेगुलराइज करवा देना चाहिए।
ये मेरा मानना है और ये मैं करवा कर रहूंगा। मोदी जी के लिए आपने दिलो जान से वोट डालनी है, क्योंकि ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री जो देश की रक्षा कर सके, जो देश को आगे बढ़ा सके, बहुत कम मुश्किल से मिलता है। क्योंकि यहाँ पर व्यापारी लोग भी हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि व्यापारियों के लिए मैं चाह रही हूँ, मेरे मैनिफेस्टो में भी है, जिस बूथ पे एक और फ्लोर चाहिए वो मिलनी चाहिए, और जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर वो चाहते हैं वो भी उनको मैं दिलवाऊंगी। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि नेक्स्ट एजेंडा है हमारा व्यापारियों का। और कुछ रह गया तो मैनिफेस्टो में भी कुछ आ लेने दो, वो भी आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 19 तारीख को आपने जाकर कमल के फूल पे बटन दबाना है। मुझ जैसे साफ स्वच्छ सीधे सच्चे लीडर को यहाँ पर से एमपी बनाना है, ना कि उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किए, शहर के लिए कोई काम नहीं किया। इस बात को आपको याद रखना है। तो मोदी जी को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय मैडम किरण खेर, मैडम किरण खेर, मैडम किरण खेर।